नमस्कार साथियों, यदि आप UGC CSIR से नेट JRF क्लियर हैं, नेट या JRF या दोनों, तो आप PhD कोर्स के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2018-19 के लिए PhD एडमिशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा के ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और नेक का ए प्लस ग्रेड जो भारत में जो बड़े यूनिवर्सिटी को हम जो है ए प्लस ग्रेड कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन मांगा गया है। इसके लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा, केवल आपको आवेदन भरना है, आवेदन अप्लाई करना है और ये इसकी अंतिम तिथि है 14 सितंबर 2018। जो PhD ऑर्डिनेंस है, एप्लीकेशन फॉर्म है, शेड्यूल फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी जानकारी हम नीचे दे रहे हैं। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी हमने जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए नोटिफिकेशन क्या मांग रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2018-19 आर इन्वाइटेड फ्रॉम UGC CSIR नेट JRF विथ एलिडिटी पीरियड फॉर ए फेलोशिप कैंडिडेट्स ओनली। केवल UGC CSIR के नेट JRF स्टूडेंट को ही जो है ये आमंत्रण मांगा गया है PhD कोर्स करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड टू द कंसर्न चेयरपर्सन डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट जिस विभाग से आप PhD करना चाहते हैं उस विभाग के जो चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है, वहीं पर ही 14 सितंबर 2018 के पहले आपको जो है जमा करना है। यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, अखबार का क्लिपिंग भी दे दिया, ये ऑर्डिनेंस दिया हुआ है। इस ऑर्डिनेंस के आधार पर PhD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस, फार्म का प्राइस है, काउंटर में फार्म खरीद सकते हैं ₹500 और SC ST के लिए जो है ₹125, ₹550। यदि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से मंगाना चाहते हैं तो ₹50 जो है आपका डाक टिकट खर्च है और यहाँ पर SC ST के लिए ₹175, ₹50 एक्स्ट्रा मंगा गया है पोस्टल चार्जेस के लिए, यदि आप पोस्टल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए या MPhil डिग्री में 55% होना चाहिए, ये स्पष्ट कर लें। और पर्टिकुलर जो हरियाणा के SC ST के स्टूडेंट हैं उसके लिए 50% PG में या MPhil डिग्री में ये मार्क्स मांगा गया है, 50% होना चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट पजेसिंग डिग्री इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री MPhil डिग्री इक्विवेलेंट टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड बाय एन असेसमेंट एंड एग्रीडेशन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड। मतलब वही व्यक्ति, वही जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के इक्विवेलेंट जो मास्टर डिग्री MPhil डिग्री है उन्हीं को जो है ये उनको भी जो है यहाँ पर आवेदन करने के लिए जो है मांगा गया है। यहाँ पर सारा डिटेल दे दिया गया है, कौन कौन सी जगह पर आप भर सकते हैं, ये प्रोसीजर फॉर द एडमिशन। यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ सीट्स एडमिशन एप्लीकेशन, ये तो पुराना है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए UGC CSIR नेट JRF विद वैलिडिटी पीरियड इज एलिजिबल टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड ऑल इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर एडमिशन इन PhD। यहाँ पर UGC CSIR नेट JRF लोगों को ही जो है आवेदन करने के लिए ये ऑर्डिनेंस में जारी किया गया है कि जो फ्रेशर हैं, जो केवल PG फ्रेशर हैं उनके लिए ये आवेदन जमा नहीं कर सकते, उनके लिए PhD करने की यहाँ पर जो है मान्यता नहीं है। यहाँ पर ड्यूरेशन देख लीजिए, मिनिमम 3 साल से लेकर 6 साल तक लग जाएगा PhD कोर्स जो है, टोटल PhD कोर्स, PhD डिग्री मिलते तक जो है आपको जो है 3 साल का समय मिनिमम और 6 साल का समय अधिकतम रखा गया है। यहाँ पर एवरी रिसर्च स्कॉलर शैल सबमिट हिज थीसिस विथ इन ए पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनरोलमेंट फॉर PhD। यहाँ पर
ये बता दिया है कि आपको जो है ये 6 साल और 3 साल के बारे में बताया है। यहाँ पर ये भी चीज़ें याद, यहाँ पर एक चीज़ें देख लीजिए, वुमेन रिसर्चर स्कॉलर में बी अलाउड मेटर्निटी लीव चाइल्ड केयर लीव वंस अवेल्ड इन द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी कोर्स फॉर अप टू 240 डेज विच शैल नॉट बी काउंटेड इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 ईयर ऑफ सबमिशन। मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे संभाल रहे हैं उसके लिए जो लीव की जो व्यवस्था की गई है पीएचडी के लिए 240 दिन की व्यवस्था की गई है, और जो 6 साल की अवधि में 240 दिन को जो है नहीं जोड़ा जाएगा उसको माइनस करके 6 साल जोड़ा जाएगा। यहाँ पर इस तरह से जानकारी पूरा दे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफाई मास्टर डिग्री ये सब दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर मार्क्स ऑफ ड्यूरेशन पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये तो दिया हुआ है। अभी जो केवल निकला हुआ है केवल नेट जेआरएफ क्लियर्ड के लोगों के लिए यहाँ पर निकाला गया है, और वही व्यक्ति इसमें जो है अप्लाई कर सकता है, हर व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता। कहाँ पर कितना सीट है उसको हम बताएंगे आपको जो है कि किस डिपार्टमेंट में कितना फीस आपको देना पड़ेगा। ये देखो स्कीम आप पीएचडी कोर्स के लीव कोर्स वर्क भी आपको करना पड़ेगा। जो एमफिल स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्स वर्क से छूट दिया गया है, ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट को कोर्स वर्क करना, केवल एमफिल वालों के लिए छूट दे रखा है। ये 1 सेमेस्टर एंड विल कमेंस एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब एक सेमेस्टर जो होता है 6 महीने का होता है, इसका मतलब है 6 महीने का कोर्स आपको करना है। पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है इस बात को गौर कर लेना है। यदि आप 75% अटेंडेंस दे सकते हैं तो आप ही अप्लाई कीजिए, अन्यथा स्थिति में नहीं। जो कोर्स वर्क होगा वो उसके लिए यहाँ पर पेपर दे दिया गया कि क्या क्या पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट है रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ना है, इसमें 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है। फिर आपको जो है टर्म पेपर पढ़ना है। पेपर थर्ड जो है टर्म पेपर विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 2 एक्टिविटीज़, सेमिनार इन द ट्रस्ट एरिया ऑफ द रिसर्च वर्क और रिसर्च असाइनमेंट लिटरेचर सर्वे, ये सब आपको करना पड़ेगा। कोर्स वर्क का जो है सिलेबस भी दे दिया गया है। यहाँ पर रिसर्च सुपरवाइजर कोर्स सुपरवाइजर, आपको रिसर्च सुपरवाइजर भी चुनने के लिए जो है गाइडलाइन दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस जो होता है वो कानून होता है। यहाँ पर देखिए एक टीचर जो है कितना स्कॉलर रख सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर 4, एसोसिएट प्रोफेसर 6 और प्रोफेसर 8। फिर उसके बाद में सिर सेल नॉट बी हेल्ड वेयर को सुपरवाइजर इज अलाउड, ये चीज़ें जो है दे दिया गया है। प्रेजेंटेशन सेमिनार भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा पीएचडी के दौरान, आपको जो है एक पीएचडी थीसिस जमा करने के पहले कम से कम 2 रिसर्च जर्नल में आपको जो है आर्टिकल पब्लिश कराना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ये हो पाएगा। और ये 2016 के जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन के हिसाब से आपको 2 सेमिनार अटेंड करना है पीएचडी से संबंधित, साथ ही साथ 2 आर्टिकल जमा करना पड़ेगा, साथ ही साथ 2 बाहर यूनिवर्सिटी के साथ में आपके थीसिस का इवेल्यूशन होगा, और उसके बाद में आपका जो है जो ओपन वाइवा होगा, मतलब खुला वाइवा होगा थीसिस का, जो बाहर के जो एक्सपर्ट आएंगे और आपसे पब्लिक के सामने में आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है आप इसको जो है ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेट दे दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 14 सितंबर है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस 2000 रुपये, यदि लेट फीस देते हैं तो 17 सितंबर तक जमा कर सकते हैं, और आपका इनरोलमेंट इन रिक्वायर्ड 18 सितंबर 2018। डेट ऑफ इनरोलमेंट फर्स्ट लिस्ट टू बी डिस्प्ले 19 सितंबर को हो जाएगा। फिर आपको डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर फीस ये 19 सितंबर से लेकर 20 सितंबर एक ही दिन में आपको जमा करना पड़ेगा। सेकंड लिस्ट भी निकलेगा 21 सितंबर जो है, इस तरह से दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा पीएचडी कोर्स करने के लिए, ये कहा है इनरोलमेंट फीस जो है 2500 रुपये लेगा। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो है पर एनम 1 साल में 1000 रुपये लेगा। माइग्रेशन फीस यदि बाहर का कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसके लिए 2500 देना पड़ेगा। और पीएचडी कोर्स वर्क फीस, ये जो फीस है वो 10000 रुपया, ये सम ऑफ 1000 सेल बी चार्जेस एज लेट फीस फॉर एवरी डिले ऑफ 15 डेज,
ये जो है आपको पीएचडी कोर्स वर्क फीस है आपको 10,000 रुपये लेगा, एनुअल फीस फिर उसके बाद देना पड़ेगा 5,000 रुपया पर मंथ आपको देना 5,000। एनुअल फीस जो साइंस के स्टूडेंट है 15,000 रुपये लगेगा, एनुअल फीस आप साइंस के लिए 80,000 है। इस तरह से आपको जो है इवेल्यूशन फीस भी बाद में दिया जाएगा, मतलब अभी आपको जो है ये छोटे छोटे राशि देना है और एक बार में 10,000 देना है और उसके बाद जो है लगातार 3 साल तक जो है 5,000 रुपया देना है आपको जो है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर फार्म निकाल दिया गया है कि आपको जो है इसी को जो है आपको डाउनलोड करना है। आप जो है हमने डिस्क्रिप्शन में इस यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम दे देंगे, इसी को डाउनलोड करके इसी को भरना है और आपको जो है 14 सितंबर के पहले आपको जमा कर देना है। ये स्पष्ट रूप से ये अंडरटेकिंग भी आपको देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर जो सीट अलाटेड है, सीट अलाटेड को हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर कौन कौन सी विषय के लिए है, ये एंशियंट हिस्ट्री के लिए है। एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो सीट यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर कितना सीट बचा हुआ है, टोटल 3 सीट है यहाँ पर। फिर इसके बाद में बायो केमिस्ट्री में 6 सीट है आपका, बायो टेक्नोलॉजी में 12 सीट है यहाँ पर, बॉटनी में कोई सीट नहीं है, केमिस्ट्री में देखते हैं केमिस्ट्री में 3 सीट है, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 सीट है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 सीट है, उसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट में भी जो है 7 सीट है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जो है 3 सीट है, और ये इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 11 सीट है आपका, एजुकेशन में 13 सीट है। इस तरह से सीट दिया हुआ है, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, इंग्लिश देखते हैं तो 6 सीट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में भी 6 सीट है यहाँ पर, फाइन आर्ट्स में भी आप जो है 6 सीट है यहाँ पर, जियोलॉजी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी, यहाँ पर लॉ सब्जेक्ट में भी जो है 13 सीट है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी आप यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो 14 सीट है, ये माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीट है। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। मैथमेटिक्स में भी जो है सीट है, मैथमेटिक्स में कोई सीट नहीं है, म्यूजिक एंड डांस में 10 सीट है आपका, मास कम्युनिकेशन में आपका 2 सीट है, सबसे ज़्यादा फार्मेसी में 32 सीट आपका, फिलोसॉफी में 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में नील है, एक भी सीट नहीं है, फिजिक्स में 13 सीट है। इसी प्रकार से आपका जो है पॉलिटिकल साइंस में आपका 2 सीट है, पंजाबी 1 सीट यहाँ पर, साइकोलॉजी में आपका 6 सीट आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पर जो है 2 सीट है यहाँ पर, संस्कृत, पाली और परिचित का जो है 11 सीट है, सोशल वर्क का जो है 10 सीट है आपका, सोशोलॉजी, सोशल वर्क और सोशोलॉजी दोनों अलग अलग है, 4 सीट है यहाँ पर, स्टेटिक्स का नहीं है। उसके बाद में टूरिज्म एंड मैनेजमेंट का भी, इसे यदि आप करना चाहते हैं तो 6 और 4 10 सीट है, जूलॉजी में 6 सीट है आपका। इसी प्रकार से जो है सारे सीट यहाँ पर हमने आपको बता दिया, इसके हिसाब से आपको जो है एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। यदि आप नेट JRF क्लियर हैं आपके लिए बढ़िया अवसर है, और आप यहाँ पर एडमिशन लेकर जो A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा व्यक्त करना चाहिए, जहाँ पर A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी की मान्यता जो है देश विदेश में होता है, यहाँ पर रिसर्च के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं और अच्छे रिसर्च करने के लिए आपको जो है जो ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा रहता है वहीं पर किया जाना चाहिए, वहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलता है, तभी जाकर जो है आपको ये A+ ग्रेड दिया गया है। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की सुविधाएँ, वहाँ की जो रिसर्च जो टीचर हैं वो अच्छे उपलब्ध होंगे, इसी आधार पर आपको जो है A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी में ही आपको PhD करना चाहिए। थैंक यू।